माना कि सिर पर तेरे छत मैसर नहीं, पर धरो दीवारें बयां करती हैं तेरी दिलेरी की दास्तां। इस बेजोड़ इमारत की बुलंदी वक्त के थपेड़ों ने नहीं छीनी, वे तो निछावर हुई और मर मिटी जंगे आज़ादी में। तो हाय गाइस, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं मूसा बाग घूमने, जो कि लखनऊ हरदोई रोड के करीब ही है। और हमारे साथ आज हमारे इस वीडियो में हैं सुबिन भाई, हाय दोस्तों, और ये हैं सत्येंद्र भाई जो इंस्टाग्राम स्टार हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं मूसा बाग और कुछ इसका इतिहास बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई हमारे भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दिखाते हैं और बताते हैं कुछ इसका इतिहास। सामने से दोस्तों कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ का, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा खंडहर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी बाइकें वगैरह खड़ी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चढ़ के इसके अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अवशेष यहाँ पे अभी बचे हुए हैं और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ से दोस्तों अंदर जा रहे हैं, ये देखिए हम लोग इससे ठीक अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ ऐसा भी आता है यहाँ का, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब हम अंदर आते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। आप मेरे पीछे इधर देखेंगे कि हर तरफ में खंडहर टूटी दीवारें ही नज़र आती हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका कुछ ऐसा इतिहास है जो हमें सोचने को मजबूर कर देता है। दोस्तों 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो लखनऊ की फौजें थी उनका यहीं पर ही रहने का अड्डा था। और दोस्तों यहीं से ही जो लखनऊ की फौजें थी उन्होंने 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। अवध के इसी आखिरी किले से में दोस्तों बेगम हजरत महल और शहजादे ब्रिटिश कादिर यहीं पे ठहर के जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति का अंजाम दे रहे थे। इतिहासकारों के हिसाब से ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, जो पूरा महल देख रहे हैं दोस्तों, 4 मंजिल का हुआ करता था। और इसकी घुमावदार सीढ़ियां हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, उनसे बाहर का जो नज़ारा है बेहद खूबसूरत होता था। और इन दीवारों में चमक लाने के लिए उस समय चूने का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। तो चलिए अब इसके और अंदर चलते हैं और इसका कुछ इतिहास बताते हैं कि क्यों इसको इस तरीके से खंडहर होने के लिए मजबूर कर दिया गया। चलिए हम अभी इसके एकदम बीचों बीच में चलते हैं इस महल के और आपको बताते हैं। ये जो हिस्सा आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये एकदम बीचों बाज का हिस्सा है। और 21 मार्च 1858 को अंग्रेजों द्वारा इस पूरे भवन पे आक्रमण किया गया था, क्योंकि हमारे जो अवध के क्रांतिकारी थे वो यहीं पे ठहरे हुए थे और यहीं से पूरी क्रांति को अंजाम दे रहे थे। तो जब 21 मार्च 1858 को यहाँ पे हमला हुआ तो अंग्रेजों द्वारा दागी गई तोपों से जो गोले निकले, उन गोलों ने इन पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे महल को खंडहर में तब्दील हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको केवल दीवारें नजर आएंगी, इनके ऊपर की जो छत वगैरह है वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नक्काशी वगैरह आप भी देखने को देखिए, ऊपर वहाँ दिखाना ज़रा, काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है। और इधर आप देखेंगे कुछ पिलर इसके खड़े हुए हैं और ये मुझे लगता है कि ये जो पूरी नक्काशी है, इधर आप दिखाना ज़रा, इधर जो आप देखेंगे ये जो पूरी आपको डिज़ाइन दिख रही है इन दीवालों पे,
तो ये जो डिजाइन है दोस्तों, ये ब्रिटिश वास्तुकला से प्रभावित होकर इन डिजाइन को यहाँ पे बनाया गया था। और आप पीछे देखेंगे कितनी अलमारी वगैरह हैं, तो शायद यहाँ पे कोई नवाब थे या फिर जो भी यहाँ पे रहता था उसमें ये इनका कोई कोषागार वगैरह हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा लोगों को ठहरने की यहाँ पे व्यवस्था थी। और आप मेरे इधर बाएं साइड देखेंगे या दाहिनी साइड आप देखेंगे, तो मैंने अभी जो जिक्र किया था घुमावदार सीढ़ियों का, तो वो एक इधर सीढ़ी है और एक मेरे पीछे उधर है। तो चलिए मैं पहले इधर वाली सीढ़ी आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे ये घुमावदार सीढ़ियां हैं, आइए ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये घुमावदार सीढ़ियां हैं दोस्तों। इनसे चढ़ के हम लोग जो उसके ऊपर जा सकते थे पहले, लेकिन अभी ये सारी की सारी जो सीढ़ियां हैं वो टूट चुकी हैं दोस्तों। हम इससे आगे हम ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा खंडहर हो चुका है और यहाँ से कुछ लोग अभी चढ़ रहे हैं, लेकिन अभी चढ़ना ठीक नहीं है क्योंकि ये टूट चुका है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो चलिए अभी दिखाते हैं, फिर से मैं आपको एक अंदर का सीन दिखाता हूँ। और यहीं आंगन पे दोस्तों एक कुआं, चलिए आपको दिखाते हैं कुआं। तो ये कुआं है दोस्तों, उस समय शायद इसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और अभी आप इसको देखेंगे तो ये पूरा झाड़ वाड़ से पूरा गिर चुका है, ऊपर इसके जाल पड़ी हुई है। अंदर जरा दिखाना, अंदर आप देखेंगे कि काफी हद तक ये पड़ चुका है, ज्यादा गहरा नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग घूमने आते हैं, ये देखिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, रील्स वगैरह बनाते हैं, अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है दोस्तों, ये देखिए आप। काफ़ी लोगों ने दोस्तों इस जगह को अपने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड बताया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, अगर दोस्तों ये हॉन्टेड होती तो शायद यहाँ पे कोई ना आता घूमने। और आपको एक चीज़ और मैं दिखाने वाला हूँ कि यहीं पे 21 मार्च 1858 को एक कैप्टन वेल्स थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनको हमारे क्रांतिकारियों द्वारा मार दिया गया था। तो उनकी ऊपर एक मज़ार बनी हुई है जिनको अभी हम सिगरेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वहाँ पे उनको अभी उनकी पूजा वगैरह होती है, चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, और उनको चढ़ावे में जो चढ़ावा आता है वो सिगरेट आता है, दारू वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। तो चलिए हम अभी ऊपर चलेंगे और आपको सिगरेट वाले बाबा को दिखाएंगे, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सिगरेट वाले बाबा के पास, आपको वहाँ चल के सिगरेट वाले बाबा से मिलाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हर बृहस्पतिवार को सीधे सीधे चलो, अरे दोस्तों एक और मजार है, और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे मेला लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और मज़ार यहाँ पे है, ये देखिए। और इधर आप देखेंगे कि ये मेला लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग इस तरफ और आपको दिखाते हैं सिगरेट वाले बाबा। तो अभी हम लोग यहाँ पे, हमारे जो साथ में हमारे फ्रेंड्स आए हैं वो यहाँ पे रुके हैं, कुछ खस्ता वगैरह खाएंगे फिर चलेंगे, अभी आपको मिलाएंगे सिगरेट वाले बाबा से। तो वहाँ पे हैं दोस्तों सिगरेट वाले बाबा, हम लोग अभी जा रहे हैं सिगरेट वाले बाबा के पास। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ पे चढ़ावे में सिगरेट वगैरह चढ़ाते हैं। ये देखिए साइड में आप वहाँ पे देखेंगे सिगरेट भी जल रही है। कैप्टन बाबा की मजार है, दारू और सिगरेट बद मक्खन सब खाते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे दोस्तों जो सिगरेट, दारू और क्या चीज है दादी, बंद मक्खन वगैरह सब चढ़ावा चढ़ता है, और चढ़ावा चढ़ा के लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं। और यहाँ पे देखिए इनका नाम भी लिखा है, ये देखिए ये कैप्टन वेल्स की यहाँ पे ये मज़ार है दोस्तों। और इधर से कुछ ऐसा भी आता है दोस्तों यहाँ मूसाबाग का, ये देखिए। और इस साइड आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा खाली ज़मीन पड़ी हुई है, ये देखिए दोस्तों चारों तरफ। और यहीं साइड में आप देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग वालों का, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ इस बिल्डिंग के संरक्षण के लिए। आप देखेंगे कोई भी काम अंदर नहीं हुआ है, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। जो भी भाई हमारे अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।